रुड़की में एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा है। उन्होंने बताया कि यात्रा में जो भारी वाहन और डीजे आ रहे हैं उनको नगला इमरती से ही लक्सर की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही 12 फीट से ज्यादा चौड़ी कांवड़ पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हम खड़े नगला इमरती पर और यहां से ही जो कांवड़ बड़ी कांवड़ आ रही है इनके लिए रूट जो है डायवर्ट किया गया है। और हमारे साथ हैं हरिद्वार के कप्तान परविंदर डोभाल जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का रूट प्लान रहेगा, किस तरह से डायवर्जन किया गया है आगे की, क्योंकि कांवड़ अब बढ़ रही है, कांवड़ जो है उसके लिए किस तरह का प्लान है पुलिस का। आइए जानते हैं किस तरह का प्लान रहेगा, क्योंकि अब कांवड़ का जो है दबाव बढ़ रहा है, अंतिम चरण में है। तो आपका अब क्या रूट प्लान का जो अंतिम चरण है, जिसे हम फेज थर्ड में आज से हमारा जो डायवर्जन है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, जिसमें सभी जो व्हीकल हैं जो कांवड़ के लिए आ रहे हैं उनको इसी पॉइंट से नगले मरती से बाया लक्सर होते हुए बैरागी में डाला जा रहा है। इसी व्यवस्था को देखने में भी यहाँ पर अभी आया था और सुबह और शाम लगातार ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव भी है। और यहाँ से जो भी ट्रैफिक बैरागी में जाएगा उसका जो एग्जिट है, जो एग्जिट आएगा उस एग्जिट को मेन रोड से लेके जाएगा। तो आगे का आपका जैसे कि ये दबाव बढ़ेगा तो क्या ड्रोन से भी इसकी ड्रोन हम लोग इस पर लगातार 4 हमारे ड्रोन स्टेब्लिश किए गए हैं जो इस पर ऊपर से लगातार इन पॉइंट्स पे निगरानी कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है जहां पर दबाव बन रहा है या दबाव लगातार बनता जा रहा है उन पॉइंट को जो वहां के संबंधित सुपर जेडो हैं उनको उसका फीड देके वो उन पॉइंट को उससे अवगत कराया जाता है और फिर वहां से वो ट्रैफिक को बाहर करने में मदद करता है। कुछ बड़ी कावड़े जो हैं जो कि ज्यादा जगह घेर रही हैं और उससे बाधित हो रहा है हमारा जो ट्रैफिक है, तो उनके लिए क्या? देखिए इस संबंध में पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी और अभी भी मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, जो निर्धारित सीमा हम लोगों ने तय करी थी 12 फीट से ज्यादा अगर चौड़ी कांवड़ होती है तो उसके खिलाफ या तो हम लोग उसको डिसमेंटल करेंगे या फिर उसमें जो भी अवैधानिक कार्रवाई है वो उसका की जाएगी। स्टेट के लिए रुड़की से अली मेहदी। कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ रही है। 28 जुलाई से शुरू हुई इस सबसे चुनौतीपूर्ण चरण को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। नया यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। साथ ही बैरागी कैंप में डाक कांवड़ को पार्क कराने की कवायद कर ली गई है। डाक कांवड़ को लेकर किस तरह का माहौल है, जासलिया हमारे संवाददाता महावीर नेगी ने। कांवड़ मेला इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव जो प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती का सबब होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाक कांवड़ की और इस समय हम खड़े हैं बैरागी कैंप, जो कि डाक कांवड़ का सबसे बड़ा पड़ाव होने वाला है बैरागी कैंप। अभी हालांकि जो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है डाक कांवड़ आने की और ये धीरे धीरे कल परसों तक ये जो डाक कांवड़ की संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी और बड़ी संख्या में इस पूरे ग्राउंड पर आपको डाक कांवड़िए ही नजर आएंगे, जिसको मैनेज करने के लिए डाक कांवड़ियों को मैनेज करने के लिए यहाँ बाकायदा फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर होगा। लक्सर की सड़क कांवड़ियों के वाहनों से व्यस्त है। लक्सर हाईवे पर भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जाम लगने के कारण वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। कुछ कांवड़िया तो अपने वाहन बाहर निकालकर उचित ठिकाने ढूंढकर आराम करने लगे। कांवड़ियों का कहना है कि खराब व्यवस्था होने के कारण कई घंटे से वो जाम में फंसे हैं। यहाँ तक पहुँचे, यहाँ खाना बनेगा और खाना खाने के बाद आगे की यात्रा तैयार करेंगे।